ओम शांति। भगवान ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई थी। हम सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे के संस्कारों को एडजस्ट करते हुए, आपस में तालमेल बिठाते हुए। तब पूरी धरती हमारी थी और आसमान भी हमारा था। लेकिन ये खेल ही ऐसा बना हुआ है, देह अभिमान की प्रवेशता होना और अपनी ओरिजिनलिटी अर्थात आत्मा को भूलना, अपनी सच्ची पहचान को भूलना इस खेल का ही हिस्सा है। इस शरीर को मैं मान लेना व शरीर के रिश्तों व वस्तुओं को मेरा मान लेना, यहीं से दुख शुरू होता है। हमारी सारी शक्तियां कम होनी शुरू होती हैं, क्योंकि शरीर विनाशी है तो हमने अपने को भी विनाशी समझ लिया। शरीर बीमार तो मैं बीमार, शरीर से कनेक्टेड कोई भी वस्तु में कमी आई तो दुख, शरीर के संबंधी को कुछ हुआ तो दुखी हो जाना, मैं और मेरापन, इससे मोह बढ़ता गया, मेरा मानने से कामनाएं बढ़ती गई। अब बस उल्टा करना है, सब कुछ वापस दे देना है, सब कुछ तेरा। इसी से हमें सुकून मिलेगा, आजादी मिलेगी। ये शरीर भगवान ने दिया है, सारी कलाएं टैलेंट्स भी भगवान ने ही दिए हैं। उन्हें बेशक यूज करना है, पर उनकी अमानत समझकर, तब ही हम बेफिकर बादशाह बन पाएंगे। सारे रिश्ते भी इस शरीर के हैं, टेम्पररी, उनको मेरा मेरा मानने से उन पर टोटल डिपेंडेंसी हो जाती है। फिर अगर कभी उन रिश्तों व वस्तुओं से दूर होना पड़ा कुछ कारणवश, तो हमारा सुख चैन ही चला जाता है। इसलिए हर चीज को यूज करना है, परंतु अपनी समझ कर नहीं, बल्कि ऊपर वाले की समझ कर। जितना जितना हर चीज को उनके हवाले करते जाएंगे, उतना उतना हल्के होते जाएंगे। पूछे अपने आप से कि मैं कौन हूँ। अगर मैं माँ हूँ तो क्या मैं हमेशा माँ रहूंगी? क्या ये बच्चे हमेशा मेरे रहेंगे? नहीं, ये शरीर छूटा तो रिश्ते भी खत्म। फिर भले ही हम नया शरीर लेकर उन्हें कहें कि मैं तुम्हारी माँ थी पिछले जन्म में, तो भी वे स्वीकार नहीं करेंगे। एक छोटी सी बच्ची को माँ के रूप में कैसे स्वीकारेंगे? तो ये रिश्ते सिर्फ देह के हैं, और ये देह भी कुछ समय के लिए है। तो करना क्या है? सिर्फ इस देह व रिश्तों व वस्तुओं पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं सदा सुखी व शक्तिशाली हूँ। मेरा सच्चा रिश्ता भगवान से है, वो ही मेरे माता पिता सखा साजन सब है। अपने को भगवान से जोड़कर रखना ही सदा सुखी रहने का मार्ग है। ओम शांति।